तो ये रहा आलू का चोखा, और इधर काच मिर्च जो ही आग में पकाए हुए हैं, एक थारा माड़ भात है दोस्तों, खाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है नीतीश प्रीति ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, तो दोस्तों हमारी ओर से आप सबको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और दोस्तों अपने अपने ज़िंदगी में सब खुश होंगे। दोस्तों नहा धो के फ्रेश होके और पूजा भी कर लिया, और दोस्तों मेरी वाइफ आज घर में नहीं है, वो गई है अपने मायके और कल तक आ जाएगी। और दोस्तों अभी मम्मी आज खाना बनाई है, माड़ भात और आलू का चटनी, जो कि भी आप लोग देख ही सकते हो दोस्तों कि आलू का चटनी। अभी आप लोग को दिखाते दोस्तों कि कितना मस्त खाना है, माड़ भात और आलू का चटनी। दोस्तों ये खाना बहुत टेस्ट लगता है खाने में, अभी आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये रहा आलू का चोखा, और इधर काच मिर्च जो ही आग में पकाए हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों काच मिर्च। और इधर एक थारा माड़ भात है दोस्तों, खाएंगे। और दोस्तों पहले अब चलते हैं, खाना खा लेते हैं और देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा है दोस्तों, और माड़ भात ऐसे ही सुबह के टाइम में खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों खाना खा लिए, और अब चलिए थोड़ा बकरी के लिए पल्हा ला देंगे। और दोस्तों ये मम्मी घर में अभी काम कर रही है, और दिखाएंगे दोस्तों कि मम्मी अभी क्या काम कर रही है। तो पहले चलते हैं बकरी के लिए पल्हा ला देते हैं दोस्तों। दोस्तों पहुँच गए पेड़ के पास, और लेके जाएंगे बकरी के लिए पल्हा दोस्तों। और दोस्तों भी आप लोग को दिखाते हैं कि जो कैरंज होता है वो हम लोग फोड़ फोड़ के बेचे, अभी कुछ दिन पहले बेचे हैं, और उसका देखे दोस्तों फिर से फूल आने लगा और फिर से वो फड़ेगा। अभी आप लोग को दिखाते दोस्तों कि कैरंज का फूल होता कैसा है। देखे दोस्तों, ही रहा कैरंज का फूल, बहुत ज़्यादा फूलता है और फड़ता भी बहुत ज़्यादा दोस्तों। और देखिए कितना सारा गिरा हुआ है नीचे, बस कैरंज का फूल ही फूल है दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं। और इधर पेड़ में भी बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। और दोस्तों अब चले पल्हा तोड़ने के लिए, और जाएंगे थोड़ा उधर एक नाला पास हुआ है दोस्तों, आप लोग को दिखाएंगे। बारिश के टाइम में पानी रहता है खेत उत में, जब पानी भर जाता है दोस्तों तो बारिश के टाइम में उधर से पानी निकासी होता है। और दोस्तों भी फ़िलहाल अपने महुआ पेड़ के पास हैं हम, उधर पीछे साइड महुआ का पेड़ है जो कि हम लोग महुआ चुनते थे। और दोस्तों अभी चलते हैं, ले चलते आप लोग को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यही नाला है जिससे बारिश के टाइम में इसमें पानी रहता है, और बारिश के मौसम के टाइम में अभी पानी नहीं रहता है। और दोस्तों यही तोड़ेंगे जामुन का पल्हा और लेके जाएंगे, ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, थोड़ा सा ही तोड़ेंगे। दोस्तों फाइनली तोड़ लिए, और देखिए इतना सारा तोड़े हुए दोस्तों, और अब लेके चले घर। और दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे कि बकरी को जो कुत्ता काट लिया है तो अभी तक ठीक नहीं हुआ दोस्तों अच्छी तरह से, और थोड़ा सा चल नहीं पाता एक पैर, और दवा दिए हैं दोस्तों जो कि अब ठीक हो जाएगा, तो आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों। पहले चलते हैं अब घर यहाँ से। दोस्तों फाइनली पहुँच गए घर, और देखिए पल्हा लेकर आए थे, वही जो मेरा जी बकरी है, अभी देखिए खा रही है। और दोस्तों भी आप लोग को दिखाते हैं कि जो कुत्ता काटा है अभी ठीक से एक पैर रख नहीं पा रहा है, और दवा दे रहे दोस्तों, अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पहले तो रख भी नहीं पा रहा था ज़मीन पे, और अब रखने लगा है। अभी आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो पैर है यहीं पे थोड़ा काट लिया था ज़्यादा कुत्ता, और इसी को थोड़ा रख नहीं पाता है, थोड़ा दर्द होता है इसको रखने में। और दोस्तों आप लोग को दिखाया भी था कि हम लोग जो कुत्ता जो काटता है, और हम लोग दवा लाए भी थे जंगल से, जंगली जड़ी बूटी भी आप लोग को दिखाया था दोस्तों, अब धीरे धीरे ही ठीक हो जाएगी। और दोस्तों अभी मम्मी दोपहर का भी खाना बना रही है, और खाने में दोस्तों दोपहर में बन रहा है करेले का भुजिया और चावल और दाल दोस्तों।
और दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, और इस चैनल पे जो नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय जवाहर।